सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसरी में परवेज मुशर्रफ की तलबी से मुतालिक समाअत, परवेज मुशर्रफ आ रहे हैं या नहीं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। केस की समाअत 2 बजे है, मुशर्रफ ने आना है तो इंतजार कर लेते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को फौरी अपडेट लेकर जवाब जमा करवाने का हुक्म। तर्जुमान APML डॉक्टर अमजद का परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी का ऐलान और फिर यू टर्न। पहले कहा साबिक सदर का आइंदा 24 घंटे में पाकिस्तान वापसी का इम्कान है, फिर बोले अदालत से नई तारीख लेने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर लाहौर से लंदन के लिए रवाना, कुलसूम नवाज के साथ ईद मनाएंगे, ईद के बाद वतन वापस आएंगे। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत, मरियम नवाज के वकील के पेश न होने पर मुलतवी कर दी गई। मुलजिमान के वकील वक्त जाया कर रहे हैं, मुलजिमान को दलाइल के लिए कम वक्त दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस के लिए मजीद वक्त मांगने में शर्म आती है, जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान इजलास की सदारत करेंगे, चारों सूबों के नए चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। महंगाई से सताए आवाम के लिए छोटी ईद पर बड़ा तोहफा, मोबाइल कंपनियों ने 100 रुपए के कार्ड पर पूरा बैलेंस देना शुरू कर दिया। 15 रोज बाद FBR के साथ मिलकर टैक्सेस का नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को दूसरे T20 में भी जेर कर लिया, शाहीनों की 84 रन से फतह, 2 मैचेस की सीरीज क्लीन स्वीप कर दी। ताकुब में स्कॉटलैंड की टीम 82 रन पर ढेर, पाकिस्तान ने 167 रन का हदफ दिया था। शुएब मलिक ने 5 छक्के और 1 चौके पर मुश्तमिल 49 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 33 जबकि अहमद शहजाद ने 24 रन बनाए।